हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। टुडे अगेन वी आर कंटिन्यूइंग विद द सेम चैप्टर, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। टुडेज लर्निंग आउटकम मींस आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो यू विल बी एबल टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स स्टेटेड इन वर्ड्स। सो लेट्स कंटिन्यू विद वर्कशीट 2 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 इज सुदेश इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सीमा। If 6 years is subtracted from Seema's age and 4 years are added to Sudesh's age, Sudesh will be 4 times Seema's age. How old were they 3 years ago? 3 saal pehle wo kitne years ke the? Ye cheez mujhe find out karni hai. Given kya hai? Sudesh is twice as old as Seema. Jitne Seema ki age hai, Sudesh uska twice hai. So let Seema's age be x years. Therefore, Sudesh's age be uska twice hai, means 2 times, that is 2x years. चलिए आगे देखिए क्या कहता है। If 6 years is subtracted from Seema's age, Seema की एज में से 6 साल घटा दें, means x minus 6, 4 years are added to Sudesh's age, इसके एज में हम 4 years add कर दें, means 2x plus 4, Sudesh will be 4 times, yes, Sudesh में कितना add करने को बोला है? 4 years, Sudesh की एज है 2x, उसमें 4 years add कर दिए और सीमा की एज में 6 years हमने subtract कर दिए, तो वो क्या कहते हैं? सुदेश will be 4 times सीमा's age। तो सुदेश की एज किसके इक्वल होगी? 4 times of सीमा's age। So according to given information हमारी mathematical equation क्या बनी? 2x plus 4, सुदेश की एज में हमने 4 इयर्स ऐड किए और सीमा की एज में हमने 6 इयर्स सबट्रैक्ट किए, तो वो क्या हो जाता है? सुदेश की एज 4 टाइम्स हो जाती है सीमा's एज, राइट? तो चलिए यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करिए। क्या मिला? 2x plus 4 equal to 4x minus 24। x वाली टर्म्स एक तरफ ले आइए, 2x माइनस 4x कांस्टेंट टर्म्स दूसरी तरफ ले जाइए, 24 माइनस 4, हियर वी हैव माइनस 2x इक्वल टू माइनस 28, सो माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल आउट, x 2 उधर जाके डिवाइड होगा 28 बाय 2, दैट इज 14, x हमें मिला है 14, x हमने क्या सपोज किया था? सीमा की एज, प्रेजेंट एज, तो 3 साल पहले सीमा की एज क्या होगी? Therefore, सीमा's एज 3 years ago कितनी होगी? हमें x की वैल्यू मिली है 14, 14 में से 3 साल पहले, means 3 subtract करें, so we have 11 years, ये थी सीमा की एज। और व्हाट अबाउट सुदेश? सुदेश एज 3 इयर्स एगो इक्वल्स टू 2 इनटू एक्स, दैट इज 2 इनटू 14 माइनस 3, 2 इनटू 14 इज 28, 28 माइनस 3, दैट इज 25 इयर्स। Question 19th is, the ages of Lena and Hina are in the ratio 7 ratio 5. 10 years hence, the ratio of their ages will be 9 ratio 7. Find their present ages. मुझे उनकी present age बतानी है. उनकी ages की ratio क्या दी हुई है? It is 7 ratio 5. So, बेटा जब भी ratio में दिया होता है, तो हम क्या suppose करते हैं? Yes, हम
सपोज करते हैं 7x, 7:5 है तो आई विल सपोज 7x एंड हीनास एज बी 5x. जब रेशो में दिया होता है तो हम x लगाते हैं, राइट. सो आगे वो क्या कहते हैं, 10 years हेंस मीन्स 10 साल बाद. 10 साल बाद लीना की एज क्या हो जाएगी, 10 years हेंस लीनास एज 7x प्लस 10 और हीनास एज 5x प्लस 10, राइट. 10 साल बाद उनकी एजेस की रेशियो हमें क्या दी हुई है, 9:7. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनकी रेशियो 7x प्लस 10 ओवर 5x प्लस 10 किसके इक्वल हो जाती है, 9:7. तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं. क्या करेंगे, यस, ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते होते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई. जब एक्स की वैल्यू नीचे है डिनोमिनेटर्स में, वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई ताकि वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स प्लस बी फॉर्म में रिड्यूस हो जाए. तो चलिए आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी हैव 7 × 7x प्लस 10 इक्वल टू 9 × 5x प्लस 10. So expand the bracket, 7 7s are 49, 49x plus 70 is equal to 9 5s are 45x plus 9 × 10 that is 90. तो चलिए अब ये x वाली टर्म्स एक तरफ ले आइए, बाकी टर्म्स दूसरी तरफ. 49x minus 45x equals to 90 माइनस 70. ऑन ट्रांसपोजिंग साइन चेंज हो जाते हैं, ध्यान से. दैट इज 49 माइनस 45 गिव्स यू 4x, 90 माइनस 70 दैट इज 20. मुझे x चाहिए जो 4 मल्टीप्लाइड में है, दूसरी तरफ आके डिवाइड. 4 वन्स आर 4, 4 फाइव्स आर 20. सो यू हैव x इक्वल टू 5. x हमने क्या सपोज किया था, तो लीनास एज क्या बनी, क्या थी लीनास एज सपोज की हमने, 7x means 7 × 5 that is 35 years and लीनास एज, जो उनकी प्रेजेंट एजेस फाइंड आउट करनी है वो क्या है, 5x that is 5 × 5 that is 25 years. Vikas is 3 years older than Deepika. Vikas 3 साल बड़ा है Deepika से. 6 years ago, 6 साल पहले, Vikas age was 4 times Deepika's age. Vikas की age 4 times थी Deepika की age से. फाइंड द एजेस ऑफ दीपिका एंड विकास. मुझे दीपिका और विकास की एज फाइंड आउट करनी है. तो बेटा हमें दिया क्या हुआ है, पहले वो चीज पे कंसेंट्रेट करिए. विकास 3 years ओल्डर है किससे, दीपिका से. तो हम मान लेते हैं कि दीपिका की एज है एक्स, दीपिकाज एज बी एक्स ईयर्स. अगर दीपिका x years की है, विकास उससे 3 साल बड़ा है, तो विकास की एज क्या होगी बेटा, yes, x plus 3 years. अब वो आगे कहते हैं 6 years ago. चलिए देखते हैं 6 years ago इनकी एज क्या बनी. 6 years ago दीपिका's एज is x minus 6, 6 साल घटा दिए. And Vikas age is 3 minus 6, that is x minus 3.
So according to question, what is the relation? Vikas' age was 4 times Deepika's age. Vikas' age is x minus 3. It is 4 times the Deepika's age. Right? So, chaliye yahan se x ki value find out kare. X minus 3 equals to 4x minus 24. X wali terms ek taraf le aaiye. X 4x इस तरफ ले आइए, माइनस 4x, इधर क्या चल रहा है, माइनस 24, 3 उधर जाके प्लस का. सो x माइनस 4x क्या देगा आपको, इट इज माइनस 3x इक्वल्स टू माइनस 24 प्लस 3 गिव्स यू माइनस 21. माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो x किसके इक्वल हो गया, 21 बाय 3. That is 7. So, यहाँ पे मुझे x की वैल्यू क्या मिली बेटा? It is 7. So, therefore, x हमने क्या सपोज किया था? Deepika's age. Therefore, Deepika's age equal to 7 years. And Vikas' age, वो क्या है, x plus 3, that is 7 plus 3, so you have 10 years. Now you may solve assignment questions. Thank you.